हेलो एवरीवन, हुसैनी अकाडमी वेलकम्स यू वंस अगेन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पेपर की जो आंसर की है उसके लिए बहुत लोग अप्रोच करना चाहते हैं। कुछ UGC NTA नेट ने जो है अपलोड भी कर दिया है कि आप जो है अपने चैलेंजेस अपने क्लेम बना सकते हैं। तो 6 दिसंबर को इंग्लिश लिटरेचर का जिसने भी पेपर दिया था उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर तलाश करने के लिए कहा, तो मैं वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ। आई होप दैट मल्टीपल थिंग यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड इसमें आंसर मैं बताऊँगा तो आप मिला भी सकते हैं कि कौन आंसर सही है क्या सही नहीं है। देखें कि पहला क्वेश्चन जो है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वर पब्लिश्ड आफ्टर 1947। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी और सी, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बयान करूंगा ताकि वक्त ना लगे और 100 क्वेश्चन को जो है हम लोगों को फेस करना है, 100 क्वेश्चन का आंसर देना है। ओके, उसके बाद जब आगे चलते हैं आप, दूसरा क्वेश्चन जो आता है कि आर अप्लीकेबल टू फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, कौन से स्टेटमेंट जो है अप्लीकेबल है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के लिए। तो इसमें जो है ये फर्स्ट एंड डी, ए डी का ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, यानी थर्ड वन सही है। ठीक है, उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं हम, तीसरा क्वेश्चन आता है, इसमें तो आप जानते ही होंगे जैक डेरिडा और पाउल डी मैन, ये दो हैं जो डी कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, यानी ए और डी जो आंसर होगा, ए डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें भी बहुत सारे इशूज़ हैं, मुमकिन है कि बहुत लोग अपने अपने एतबार से आंसर बता रहे हैं, लेकिन फिर भी जो इसका आंसर एक्सेप्टेड आंसर जो है वो ये है, सी और डी, सी और डी आप मिला सकते हैं, तो सी डी यानी तीसरा वाला सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन आया, ऑन मर्डर कंसिडर्ड एज ए वन ऑफ द फाइन आर्ट्स, तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, ये थॉमस डी, ये जो आंसर है इसको आप, ये आंसर करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें मैच के लिए दिया गया है, मैच में क्या है कि एग्जेजिश है, इन्वेक्टिव है और एपोलॉजी। तो आप जानते हैं कि अगर आपको पता होगा फिलिप सिडनी ने एपोलॉजी लिखा है। ठीक है, तो अगर आप ने पढ़ा होगा तो आप इससे पता चल सकते हैं, पता कर सकते हैं कि एक डिफेंस होता है जब आप किसी की आइडिया को और किसी आइडिया को जब आप जस्टिफाई करना चाहते हैं तो एक डिफेंस होता है जिसमें किसी ने अगर पहले इतराज़ किया है, कुछ क्रिटिसिज्म किया है, उसका जवाब दिया जाता है। ठीक है, तो आप इसी से, अगर आपको डी वाला पता चल गया कि डी का तीसरा यानी थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, अगर आपको पता चल गया तो आप दे सकते हैं कि डी में यानी पहला इसका सही है, पहला आंसर। ठीक है, जल्दी जल्दी करता हूँ ताकि 100 क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर 4 है, ये वाला आंसर है। ठीक है, आप देख सकते हैं नेक्स्ट वन है। तो देखिए, ये जो रोमन इक्लफ नावल होता है इसका जो आंसर होगा वो सेकेंड वन होगा, तो इसका आंसर जो है सेकेंड वन ही होगा, ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये कल्चरल स्टडीज़ का है, हमने वीडियोस भी बनाई थी जिसमें हमने डिस्कस किया कल्चरल स्टडीज़ के बारे में, आप देख सकते हैं कल्चरल स्टडीज़ के बारे में, तो इसमें सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की थी। तो इसमें ये तीनों कल्चरल स्टडीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, और फोर्थ वन नहीं है जो कल्चरल स्टडीज़ से रिलेटेड नहीं है। तो ए बी सी आंसर यहाँ पर देखिए दिया गया है, तो ये आंसर होगा यानी तीसरा आंसर। नेक्स्ट हम लोग कर दें, तो नेक्स्ट का जो आंसर है आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ये तीसरा आंसर इसका है। ठीक है, आगे चलते हैं 11 क्वेश्चन, इसका आंसर ये वाला है, टेक्चुअल क्रिटिकल एंड हिस्टोरिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो इसका आंसर जो है वो बी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सी डी, सी और डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट करते हैं, तो इसमें जो आंसर है जॉन आर्डेन को छोड़कर ये तीनों हैं, अर्नॉल्ड वेस्कर,
और जॉन आजबर्न, ये ए सी डी इसका आंसर होगा, यानी फोर्थ वाला ये वाला आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो है ए और बी, यानी ए जो और आर जो रीज़न है दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा आप देख सकते हैं, ये बी वाला इसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन अगर आप थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन इस्तेमाल करते तो आसानी से आपको पता चल जाता। द स्पेनिश ट्रेजेडी, इसको थॉमस वर्ट ने लिखी है, और ये देखिए ये जो फर्स्ट ट्रेजेडी है, तो अगर इन दोनों को आप एलिमिनेट कर देते हैं तो इसका आंसर दूसरा और तीसरा, तो यानी बी और सी जिसमें होगा, यानी तीसरा आंसर है, एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेशन से भी आप आंसर हल कर सकते हैं। इसका आंसर बहुत ही पॉपुलर नावल है, हर साल क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, तो ये वैनिटी फेयर। ठीक है, तीसरा नेक्स्ट आंसर, तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो ये प्लॉट के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है, और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इसको स्टडी किया है, तो इस पर इन्होंने, यानी पहला आंसर इसका करेक्ट आंसर है, फर्स्ट वन, ये वन ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो उसके बाद जब आगे आते हैं आप, तो ये आप जानते हैं ये इंडियन इंग्लिश इन इंडिया के बारे में क्वेश्चन है, तो ये तीसरा ये आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट वन चलते हैं, इसमें जो है बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं इसमें बी वाला आंसर नहीं है बल्कि ये ए आंसर है, इसमें ये कैरेक्टर है। ठीक है, ये आंसर है, इसमें बिल्कुल वो कैरेक्टर नहीं है, आगे मेंशन करता हूँ। तो ये कैंटरबरी टेल्स की वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टोरीज़ में से है, हमने अपने क्लासेस में डिस्कस भी किया था इस स्टोरी के बारे में, तो आप देख सकते हैं ये करेक्ट आंसर है इसका। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा लगेगा, और मैंने स्टूडेंट को कम से कम 100 से ज़्यादा टेक्स, इंपॉर्टेंट टेक्स लिखवाए थे, पोस्ट मॉडर्न और पोस्ट कॉलोनियल टेक्स, ताकि मुझे पता था कि मैच में जो है क्वेश्चन आते ही हैं, तो इसमें जब आप आंसर देंगे तो जो होमी बाबा ने लोकेशन ऑफ कल्चर लिखा है, तो पहले का दूसरा कहाँ पर है, तो इसका जो आंसर होगा, और ये तो देखिए पॉपुलर वर्क है कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म साइड का, तो ये आंसर है, दूसरा वाला इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं, इसका आंसर आप जानते हैं, मैंने एक एक ग्रुप के बारे में यूट्यूब पर वीडियो डाल रखी है, अगर आप उस वीडियो को सुनेंगे तो आपको आसानी से बहुत सारे लिटरेरी ग्रुप, लिटरेरी मूवमेंट के बारे में नॉलेज हो जाएगा। तो इसका आंसर जब आप देखेंगे तो ये सेकेंड वन इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद जब आप पढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं कि 23 वाला जो क्वेश्चन है, इसमें जो स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन जहाँ तक रीज़न की बात है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका ये आंसर होगा, दूसरा वाला। ठीक है, उसके बाद जो आप आगे मूव करते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो वर्क है वो ये और ये दो करेक्ट आंसर है, तो इसमें देख सकते हैं कहाँ है बी सी, यानी ये वाला तीसरा ये आंसर है। ठीक है, आगे मूव करते हैं तो इसका आंसर है 4-1। ठीक है, आगे जब मूव करेंगे तो इसमें भी लोगों को कन्फ्यूज़न है, हालांकि आंसर जो है बी और सी ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, बी और सी ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है। आगे मूव करते हैं तो आप जानते हैं ये डिसीम इजिकल, ये बहुत ही पॉपुलर है। उसके बाद जब आप इसको सिस्टमेटिकली लगाते हैं तो आप देखेंगे इसका आंसर जो है CBAT, ये आंसर होगा, थर्ड वन। ठीक है, उसके बाद आगे जब मूव करेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा 3 times अभी कि ये आंसर इसका तीसरे वाला होगा, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। आगे जब आप पढ़ेंगे तो ये तो बहुत पॉपुलर है ना, तो लक्की जी में आप लोगों ने नावल पढ़ी हुई होगी, हमने इसको क्लास में डिस्कस भी किया था डिटेल में, ये दूसरा वाला। ठीक है, उसके बाद फिर जो है इसमें जो जहाँ तक आंसर का सवाल है तो इसमें भी लोगों को कन्फ्यूज़न है। ठीक है, लेकिन ये जो आंसर इसका है कि
ए इज़ फॉल्स एंड वट आर इज़ ट्रू, इसमें भी कन्फ्यूज़न है लोगों को, ठीक है, क्लेम किया जा सकता है। उसके बाद इसका जो पहला आंसर है, जब आप देखेंगे लव्स लेवल लास्ट और यूजेस फॉर्मल लैटिनेट डिक्शन, तो ये इसका आंसर फर्स्ट है, ठीक है। आगे मूव करें आप तो आपको पता चलेगा जो दो एक्टर हैं, दो इम्पोर्टेंट एक्टर जो आपको मिलेंगे एलिजाबेथन पीरियड के, वो आपको मिलेंगे ये, यानी जहाँ पर अगर आपको एक भी पता होगा तो फर्स्ट वन जिसमें, और आप देखेंगे फर्स्ट वन है और ए बी, तो इसका आंसर जो है आपको तीसरा होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ये डिफरेंट डायमेंशन ऑफ यूथ कल्चर विद कमेंट्री ऑन डेवलपमेंट इन कल्चर थ्योरी एंड पॉलिटिक्स, अगर आप इलिमिनेट करते तो आपको पता चल जाता ये इंटरटेक्चुअलिटी से रिलेटेड है। ये डॉना हार्वे जो है साइबर्ग की थ्योरी दी है, लिंडा आर्चर ने हिस्टोरियोग्राफी मेटाफिक्शन की, तो करेक्ट आंसर ये है, ठीक है, फर्स्ट वन। उसके बाद ये जो कोटेशन है इज़रा फोन ने दी है, जब भी आप तैयारी करें तो कोटेशन की एक अलग लिस्ट बना लें, और कोटेशन के माध्यम से, चूँकि कोटेशन चाहे मैचिंग में करेक्ट मैच के लिए दे सकता है या क्वेश्चन तो आता ही है इससे रिलेटेड। उसके बाद आगे चलते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसका जो करेक्ट आंसर है आपको वो थर्ड वन है, थर्ड वन इसका करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। आगे मूव करते हैं तो जब आगे मूव करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रीटा कोतारी ने ट्रांसलेटिंग इंडिया ये वर्क लिखा है, तो ए का तीसरा अगर देखें, जब आपको अगर एक भी पता हो तो ये देखें ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, सेकेंड वन। आगे मूव करते हैं तो बहुत ही पॉपुलर वर्क है, इसमें ए लिटरेचर ऑफ देयर ओन एलियन शोल्डर की है, बॉडीज दैट मैटर ये जूडिथ बटलर की है, ठीक है। तो अगर दो भी बताओ, ए वर्ड ऑफ डिफरेंस अगर दो भी बताओ तो आप आंसर निकाल सकते हैं, ए का चौथा कहाँ पर है, तो तीसरा आंसर, ये तीसरा आंसर आपका होगा। आगे मूव करते हैं तो आप देखेंगे कि जो आगे है वो फर्स्ट वन है और आपका फर्स्ट वन ये, तो अगर एक ये पता चल गया फिर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ए और डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे मूव करते हैं, ठीक है, आगे जब मूव करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर ये दोनों, ठीक है, बी और सी। नेक्स्ट वन का आंसर फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट है। अब देख लीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जल्दी से इसको कंप्लीट करके आंसर बताना मकसद है। इसका तीसरा आंसर है, आप देख सकते हैं, डिटेल में इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा मैं, और ये इसके लिए भी लोगों ने बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल, लेकिन मैं आपको बता दूं जो करेक्ट आंसर होगा इसका, जैक और रजाल्फा, तो ए और सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी बी वाला करेक्ट आंसर है। उसके बाद आगे मूव करते हैं तो बहुत ही अच्छी नावल है ये, आप लोगों ने पढ़ा होगा, फर्स्ट वन और ये डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे मूव करते हैं तो इसमें भी कन्फ्यूज़न है, हालांकि ये जो आंसर इसका होगा ये सी, ठीक है, ये आंसर होगा। उसके बाद आगे मूव करते हैं तो इसका आंसर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन में आपको जो आंसर होगा वो फर्स्ट वन होगा, ठीक है। आगे आप देखेंगे तो ये द रैम्बलर सैमुअल जॉनसन की है, तो अगर पहले का दूसरा आपको पता चल जाए तो आपको पता ही चल जाएगा, बहुत पॉपुलर है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तीसरा आंसर इसका है। आगे जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये बी और सी, ये दोनों एडिटर हैं इसके, बी सी तीसरा आंसर सही है, ठीक है। आगे आप चले तो ये क्वेश्चन दो मरतबा आया है, इसका आंसर जो है ये सी और डी होगा आंसर, ठीक है। आगे मूव करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है
फर्स्ट अगर देखें तो फर्स्ट इसमें गलत है, सेकेंड वन सही है, तो ए इज़ फॉल्स एंड ये, क्योंकि कल्चरल स्टडीज़ जो है पॉलिटिकली चार्ज चीज़ों को स्टडी करती है, तो हम हटा नहीं सकते इसको कि ये पॉलिटिकली चार्ज स्टडीज़ को, आई मीन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट तो होता ही है, सोशल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो इसका जो करेक्ट अगर आप देखें सीक्वेंस है तो ए बी सी डी, ये सीधा ही है तीसरा आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो नेक्स्ट आंसर जो आप देखेंगे वो 4-1 का है। ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे तो आंसर इसका ये 3-1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो आपको मिलेगा वो तीसरा 3-1, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे इसका आंसर आपको माइकल फोको, ठीक है, माइकल फोको डिस्कोर्स से रिलेटेड डिस्कशन इन्होंने किया है। नेक्स्ट आंसर आप देख ले तो आपको पता होगा द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ये लियोटार्ड ने लिखी है, पोस्ट मॉडर्न थ्योरिस्ट हैं ये, अगर आपको एक भी पता हो तो इससे आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो डी का तीसरा अगर जहाँ होगा वही आंसर होगा, तो इसका आंसर जो तीसरा 3-1 का आंसर है। आगे मूव करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो सही है वो 1-1 है और ये एसी आंसर यानी 3-1 सही है। आगे आप देखेंगे इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो सी डी ए बी है। ठीक है, इसके आगे आप देख लें तो जिसमें नहीं है ये करेक्टर वो द राइम ऑफ एंशिएंट मैनर है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। आगे मूव करते हैं तो आपको मिलेगा अगर आप पढ़ेंगे तो 1-1 जो है वो 1-1 पहले का ही, तो इसका आंसर देखें आप 3-रा है। ठीक है, उसके बाद जो आंसर आपको मिलेगा वो इसका 1-1 है। ठीक है, आगे जो आंसर आपको रहेगा सर मनांदा सी वो ये, फिर आगे चलते हैं, ये तो आपने पढ़ा ही होगा द वर्ड इज़ टू मच विद अस, विलियम वर्ड्सवर्थ की है, तो अगर ये पता हो जाएगा तो आपको आसानी से डी अगर दूसरा जहाँ पर होगा तो वही आंसर होगा, तो 1-1 इसका आंसर है, पॉपुलर लाइन्स है जब आपने पढ़ा होगा तो। ठीक है, इसका 1-1 करेक्ट आंसर है। आगे मूव करते हैं तो इसका आंसर जो है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, ये 3-1 होगा। आगे मूव करते हैं तो इसका जो आंसर होगा वो 5-5 इसमें सिलेबल है। ठीक है, और इसका आंसर जो है ये लॉफ्टी कास्ट ऑफ माइंड। आगे आंसर अगर आप देखें तो इसमें भी कंट्रोवर्शियल है, हालांकि इसका आंसर जो है वो ये बी और सी आंसर इसका होगा। ठीक है, आगे आप देखें तो इसका आंसर 3-1 होगा, 3-रा सही है। इसके अलावा जो ये करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है वो बी वाला है। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें गोनरियल किंग लियर का करेक्टर है। ठीक है, जब आप आंसर देखेंगे तो आपको मिलेगा सेकेंड वन, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखेंगे तो ये यूलिसिस का करेक्टर है और पॉपुलर करेक्टर है, हार्ड टाइम्स का करेक्टर है, तो देखें ये रॉबिन्सन क्रूसो का करेक्टर है, तो बहुत ही अच्छा और करेक्टर है। ठीक है, इसे आप देख सकते हैं, तो ये 3-रा वाला सही था। फिर आप आगे देखें तो इसमें फर्स्ट ए बी सी जो करेक्टर आंसर है वो ए बी सी ये वाला है, बी सॉरी, ठीक है, विलियम लैंगलैंड नहीं है, तो ये 3-रा। ठीक है, आगे मूव करते हैं तो इसमें जो आंसर है
वो फोर्थ वन है, ठीक है। इसके आगे जो आंसर आप देखेंगे तो फर्स्ट ए और डी, इसका जो करेक्ट आंसर है ए और डी करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर ये आंसर इसका तीसरा है। आगे आप जाएंगे तो इसमें इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ और वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट वन इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे तो इसका आंसर जो आपको मिलेगा वो बी और सी, बी और सी। ये भी बहुत कंट्रोवर्शियल है, हालांकि इसका आंसर जो है ये होना चाहिए, ठीक है। जो करेक्ट सीक्वेंस है पब्लिकेशन के अतबार से तीसरा, ये देखें आप तीसरा। आगे मूव करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो ये तो आप जानते ही होंगे, फर्स्ट वन इसका सही है। इसमें जो है दोनों सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो दूसरा ही सही है। ठीक है, आगे चलते हैं तो इसका आंसर फोर्थ वन है। इसका आंसर जब आप देखेंगे तो बी सी जिसमें होगा, नहीं तीसरा वाला आंसर है। आगे इसमें भी कन्फ्यूज़न है, हालांकि इसका आंसर तीसरा है, ठीक है। आगे तो इसका आंसर जो है फ्रेडरिक जेम्सन का है, लेट कैपिटलिज्म उन्होंने देखिए उनका वर्क है, तकरीबन ऐसी द लॉजिक ऑफ द पोस्ट मॉडर्न समथिंग लाइक दिस, द ऐसी रिलेटेड है द पोस्ट मॉडर्न लेट कंडीशन समथिंग लाइक दिस, ऐसे ही वर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, तो तीसरा इसमें। इसके बाद विद यूनिवर्सिटी विट्स, यानी ये वाला आंसर सही है। आगे आप जाएंगे तो ये आपका आंसर सही है। तो जब नेक्स्ट जाएंगे आप तो आपको इसमें ये दो कॉन्सेप्ट हैं, यानी सी और डी तीसरा ये करेक्टर, आई मीन ये सही है। आगे आप जाएंगे तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट वन का आंसर जो है वो ये होगा बी, और जब आप नेक्स्ट जाएंगे तो आपको मिलेगा तीसरा। इसके अलावा आंसर है फर्स्ट वन, आगे आंसर फोर्थ वन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे आपको तो तीसरा करेक्ट आंसर, उसके बाद फिर जो आपका करेक्ट आंसर है वो फोर्थ वन है। करेक्ट आंसर इट रिड्यूसेस द अफिनिटी अमंग द पीपल, ये करेक्ट आंसर है। और आगे आप जाएंगे तो ये कंट्रेरीज ये है वर्क। फिर आगे इसमें भी कन्फ्यूज़न है, हालांकि ये करेक्ट आंसर है। आपको एक सूचना ज़रूर देना चाहूँगा कि हुसैनी अकादमी के मटेरियल्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर किस तरीके से ब्यूटीफुली कंटेंट को सजाया गया है, और मोर देन 80% क्वेश्चन जो है उस मटेरियल से आए थे। नॉर्थ ईस्ट में आप देखें, साउथ में देखें, नॉर्थ में देखें, ईस्ट वेस्ट में, और मुख्तलिफ मकामात पर हुसैनी अकादमी के मटेरियल स्टूडेंट अप्रोच कर रहे हैं और मॉक टेस्ट को अप्रोच कर रहे हैं, और अच्छी तरीके से वो मार्क्स हासिल कर रहे हैं। आपको वीडियो के लिंक में आपको नीचे बिलो मिल जाएगी, आपको लिंक देखेंगे आप हुसैनी अकादमी का मटेरियल किस तरीके से है, ठीक है। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलूँगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।